हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस आप आज आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। और सिचुएशन अगर नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, या फिर बात होकर भी बात दिल की बात नहीं समझ में आ रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। तो रीडिंग तो हम पॉजिटिवली ही देखेंगे, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली कि इन मैसेजेस के थ्रू। डीप कॉन्टेम्पलेशन, गहरी सोच में है इंसान। ये जो इंसान जिनके बारे में, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, जिनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, जिनकी मैसेजेस जानना चाहते हैं, ये इंसान गहरी सोच में है। खास करके इसकी वजह से कि ये जो प्यार का एहसास है जो आपकी तरफ से मिलता है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और वो ख़ास है। जो अनकंडीशनल लव आपसे मिला है, आपसे मिलता है, वो कहीं और से नहीं मिला और नहीं मिल सकता। ये बात का एहसास उनको बहुत ज़्यादा गहराता जा रहा है। उनकी प्यार के मामले में पहले जो सोच थी, अभी वो वैसी नहीं रही। खास करके वो सोच पॉजिटिव हो रही है, बदल रही है। ये अपनी जो भी पास्ट एनर्जी से या फिर निगेटिव एनर्जी से है, ये जो बंधन लगते हैं ना, जो भी है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि ये अभी उस अनकंडीशनल लव, यू नो, एक सच्चे प्यार को वो फील कर पा रहे हैं। अगर इन्होंने आपसे कोई भी धोखा किया है, बात नहीं कर रहे हैं, ये आ नहीं सकते, या जो भी है ना, क्योंकि फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, इन्होंने शायद बहुत सारी चीज़ें कही होंगी कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, जो भी है। तो अभी ऐसा लगता है कि अभी इनकी सोच काफ़ी ज़्यादा बदल रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। अभी इस रिश्ते पे जो मेहनत करनी है, इस रिश्ते के लिए जो भी बन पड़ता है वो करना, ये उनको सही लगता है कि ऐसा इंसान खो नहीं सकते जो हमें बहुत दिल से प्यार करता हो, सच्चे दिल से प्यार करता हो। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। तो जैसे मैंने कहा ना कि पहले अगर उनको कहीं लगता था कि ये हो नहीं सकता, अभी ऐसा लगता है कि नहीं, इस प्यार के लिए, इस पर्सन के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। और इन्होंने अपनी फैमिली में बात कर चुके हैं, कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। इनको जिससे एहसास है ना कि ये अभी आपसे बहुत प्यार करने लगे, और वो भी सच्चे दिल से। शायद इन्होंने उस प्यार को अभी समझा है, पहले नहीं। अभी वो ऐसा लगता ना कि किसी और से वैसा प्यार कर ही नहीं पा रहे, और वो प्यार कहीं से और मिला भी नहीं है। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम। इन्हें पता है कि गलती इन्हीं की थी, इसलिए तो इस रिश्ते पर वो काम करना चाहते हैं। इस रिश्ते के लिए जो मेहनत करना है, ठीक करना है, वो सब काम अभी ऐसा लगता है कि इनकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। एक गहरे प्यार का, एक सच्चे प्यार का आपको खोने का डर, बहुत ज़्यादा एहसास, ये सब सारी ना डीप थिंकिंग में बहुत ज़्यादा शुरू है। और कहीं ना कहीं उनको डर लग रहा है कि अभी कहीं इन्होंने देर तक नहीं कर दी, और इनको जैसे ना रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन, आप प्लीज़ रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। आई होप आई हैव लॉस्ट यू। अगेन आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, और उनको जैसे डर लग रहा है कि कहीं आपको खो तो नहीं दिया। जस्ट से समथिंग टू मी। आपकी तरफ से जो खामोशी है ना, एक एनर्जी ना मिलना, एक चुपचाप, एक चुप्पी सदी हुए, भले ब्लॉक सिचुएशन उनकी तरफ से है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन उनकी तरफ से है, बट एक खामोशी एनर्जी वाइज आपकी तरफ से भी है,
और इसीलिए जैसे ना ये इंसान आपसे बात सुनने के लिए, आपकी बात आपसे बात करने के लिए जैसे तरस रहा है, और उनका कहना है कि कुछ तो कहो। आई नो यू आर द वन फॉर मी। इन्हें यकीन है, इन्हें कॉन्फिडेंस है कि ये मतलब आप उनके लिए ही बने हो। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको जैसे ना यू आर द वन फॉर मी, आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप मिलने के लिए बने हो, आप साथ रहने के लिए बने हो। आई रियली हैवन बीन हैप्पी विदाउट यू। आपके बगैर वो बिल्कुल खुश नहीं है, ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज वो देना चाहते हैं। आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड। सामने से बात तो नहीं कर रहे, एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे, लेकिन एक बोलते हैं ना दिमाग में 24/7 चलता है एक चटर कि आपसे बात करते हैं, इमेजिनेशन होती है, वो तो बहुत सारी होती है कि जैसे आप सामने हो, आप साथ हो और आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। आई ऑलवेज न्यू यू आर माय अदर हाफ। इस रीडिंग में ना काफ़ी ज़्यादा एक रियलाइजेशन है, अगर आप देखेंगे सब मैसेजेस एक लिंक है कि जैसे इस इंसान को एहसास हुआ हो कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, और भी आपको खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, और उनको जैसे यकीन है कि नहीं, आप मिलने के लिए ही बने हो, मिलने के लिए ही बने हो। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।